भारतीय सेना की रिटायर्ड महिला कैप्टन के साथ ठगी का मामला सामने आया है। बीमा कंपनी की कर्मचारी ने महिला के साथ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गोविंदपुरा में रहने वाली मौसमी मुखर्जी भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर रिटायर है। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में बीमा पॉलिसी ली थी। कुछ समय पहले उनके पास कंपनी का रिलेशनशिप मैनेजर अर्पित सक्सेना आया। उसने कहा कि वो बीमा पॉलिसी को दूसरे प्लान में बदलवा सकता है, इससे जो है उन्हें हर माह लाभ होगा। इसके साथ ही उनके किश्त का पैसा भी जमा होने लगेगा। वो खुद ही उनसे रुपए लेकर जाने लगा और लेकिन कंपनी में रुपए जमा नहीं किए। सितंबर महीने में ही उसने नौकरी छोड़ दी। करीब 2 लाख रुपए किश्त के जमा ना होने पर कंपनी की ओर से नोटिस आया। तब उन्हें पता चला कि कंपनी की कर्मचारियों ने यह भी बताया कि जब भी उनके मोबाइल नंबर पर कॉल किया, फोन उठाने वाले ने कहा कि उनका पति बोल रहा है और बाहर है। जब मौसमी ने यह मोबाइल नंबर देखा तो वो अर्पित का निकला। उन्होंने इसकी शिकायत की। शिकायत आवेदन पर जो है FIR दर्ज की गई। ये आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन हैं। उनके साथ में उनकी इंश्योरेंस पॉलिसियां थी दो, तो मैक्स लाइफ का एम्प्लॉय था। उसने एक पॉलिसी के बारे में बोलता है कि इसको आप प्लान चेंज करा लें। इस नाम से उससे फर्जी कागज़ों पे हस्ताक्षर करा करके पॉलिसी उनकी सरेंडर करके लगभग 1 लाख की धोखाधड़ी की है। और दूसरी पॉलिसी में 1 लाख रुपया प्रीमियम का ले गए, उसको डिपॉजिट नहीं किया। इस तरह से अमानत राशि उसने गबन कर दी है। लगभग 2 लाख रुपये का धोखा हुआ है। इस पर FIR रजिस्टर्ड की गई है। क्या पहले भी और लोगों से इस तरह धोखाधड़ी कर चुका है? आवधि का कहना है कि वो इस तरह की फितरत में है, तो उसके बारे में जाँच की जा रही है और कहीं दूसरों के साथ ऐसा किया है कि नहीं किया है।